नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। यूपी में कानून व्यवस्था की हवा निकल गई है, जीरो टॉलरेंस की नीति धूल फांक रही है। सीएम योगी के वादे और दावे सब झूठे साबित हो रहे हैं। जी हां, दरअसल बहराइच जिले के हरदी इलाके के महसी महाराजगंज में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों में विवाद हो गया। डीजे के विवाद में पथराव के बाद फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में युवक की मौत हो गई। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज सुबह एक बार फिर महाराजगंज बाजार में हिंसा भड़क गई और हालात बेकाबू हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दिन से लेकर रात तक बवाल होता रहा। महसी तहसील के महाराजगंज बाजार में देवी दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान गोलीबारी और पथराव हो गया। इसमें 22 वर्षीय एक युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। वहीं आज सुबह आक्रोशित ग्रामीण फिर लाठी डंडों से लैस होकर राम गोपाल के शव के साथ महसी तहसील पहुंचे। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें खून का बदला खून से चाहिए। साथ ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग भी की जा रही है। इस बीच अनियंत्रित भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए घटनास्थल की तरफ बढ़ गई, जहां पर राम गोपाल की हत्या हुई। भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद भीड़ को रोकना असंभव हो रहा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक गुस्साई भीड़ ने महाराजगंज इलाके में एक वर्ग विशेष के कई घरों, दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद इलाके में फोर्स बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि रविवार को महाराजगंज इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पथराव व तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद एक युवक राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। पुलिस को हालात काबू में लाने के लिए लाठियां भी भांजनी पड़ी। उधर मृतक परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस पूरी तरह से असफल रही है। इस मामले में आरोपी सलमान के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। महसी जो तहसील है उसके अंतर्गत महाराजगंज जो क्षेत्र है, वहाँ पर मूर्ति पूजा विसर्जन के समय पे विवाद हुआ था और उसमें है एक व्यक्ति को गोली लगी। उसके बाद में स्थिति जो है वो बिगड़ी। इसके दृष्टिगत कई स्थानों पर जो है मूर्ति पूजा विसर्जन जो कार्यक्रम चल रहा था वो रुक गया था, तो सभी मैजिस्ट्रेट्स वगैरह पुलिस अधिकारी जो हैं वो तत्काल जो है सब संवेदनशील जगह पर लगे और अभी सभी जगह पर विसर्जन कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और हम इसे यथाशीघ्र सम्पन्न कराएंगे। जी, वर्तमान में स्थिति को बहुत तेज़ी से नियंत्रण में लाया जा रहा है और हमारे जितने भी तहसील हैं सभी में हमारा प्रयास है कि बिना किसी विघ्न के अब मूर्ति विसर्जन चलता रहे और जल्द से जल्द सभी मूर्तियां विसर्जित हो जाएं। और सभी जगह पे हमने पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया हुआ है और अभी कहीं पे कोई समस्या नहीं आ रही है। जिन लोगों ने ऐसा कुछ करने का प्रयास किया है उनके लिए क्या करना है? जी, यही बताना चाहूंगी कि पुलिस द्वारा समस्त गतिविधियों की विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और इसको बहुत बहुत गंभीरता पूर्वक लिया गया है। जिस तरह इतने बड़े पर्व पे सौहार्द को खराब करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है और सभी की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में ऑलरेडी लगभग 25 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, जिन्होंने वहाँ पे आज पूरा डिस्टर्बेंस किया, जिसके कारण सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया है। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और सभी की पहचान की जा रही है और उस पर इंडिपेंडेंट टीम्स लगी हुई हैं। बाकी सभी जगह विसर्जन चल रहा है, अभी कहीं कोई समस्या नहीं है। डीएम मैम, मैं हम सभी लोग जितने बड़े प्रोसेशंस हैं उनके साथ में हैं। पर्याप्त पुलिस बल हमें बाहर से और भी प्राप्त हो गया है। 7 PAC की कंपनीज हमारे जनपद में हैं। बहुत से अतिरिक्त अधिकारी हमको पास के जनपदों से दिए गए हैं। सभी जगह स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। वर्तमान समय में विसर्जन शुरू हो गया? जी, सभी जगह पे विसर्जन चल रहा है। आज शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन हो रहा था महसी विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज में। दुर्गा पूजा के जुलूस पर पथराव किया गया। हमारे एक कार्यकर्ता को जो हिंदू संगठन था गोली मारी गई है और गोली कम से कम कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको मारा गया है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो इस प्रकार जिन्होंने घटना की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
और भविष्य में कोई घटना इस प्रकार की न हो। हमारे विधायक जी अभी आएंगे महसी, वही पूरी बात बता सकेंगे क्योंकि वो मौके पे हैं, वो गए। मूर्तियों का विसर्जन रोक दिया गया है, तो क्या मांग है आप लोग? महासमिति के अंतर्गत सभी मूर्तियां हैं, वहां की मूर्ति भी महासमिति में, यहां की महासमिति में। जब महासमिति के कार्यकर्ताओं के साथ ये घटना हुई है तो उसी विरोध में ये रोका गया। क्या मांग करते हैं? उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कार्रवाई अभी विधायक जी आ रहे हैं, उनको प्रशासन संतुष्ट करे, बात करे। और इस प्रकार जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है, हाँ नाखून नोच दिया गया और कई गोलियां लगी, तो अगर वो एक अचानक गोली लगती तो एक गोली लगती, दस दस पांच गोली नहीं लगती, तो इसके लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक मुस्लिम के घर की छत पर लगा झंडा नोच कर गिरा देता है, फिर उसकी जगह भगवा झंडा लहराता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि वीडियो में दिख रहा युवक रामगोपाल मिश्रा है। सपा मीडिया सेल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट लिखा है कि एक मासूम से दंगाई बने गोपाल ने भाजपाई सियासत के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। हालांकि भाजपा विधायक ने इसका विरोध किया है। भाजपा विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि यह तब हुआ जब विसर्जन के दौरान इसी घर से अकारण मां दुर्गा प्रतिमा पर पथराव हुआ, मां भक्तों पर गोलियां दागी गई, इसी घर से खींचकर रामगोपाल मिश्रा को बेरहमी से कई गोलियां मारी गई। एक तरफा वीडियो फैलाकर हत्यारों को बचा नहीं पाएगा कोई, ऐसी कार्यवाही होगी कि पीढ़ियां याद करेंगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। देखा जाए तो यूपी में जातिवाद की राजनीति बढ़ती जा रही है, जिसका ये ही परिणाम नजर आ रहा है। सीएम योगी के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। लग रहा है कि यहाँ किसी को कोई डर नहीं है, कोई धार्मिक यात्रा शांति से नहीं निकल सकती। आखिर ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल है। आखिर जीरो टॉलरेंस वाले यूपी में ऐसा होगा तो फिर बाकी के राज्यों से आखिर क्या उम्मीद रखेंगे? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।